हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज है संडे और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अध्यात्म का विषय। हर संडे को मैं आपके लिए अध्यात्म का विषय लेके आता हूँ। आज अपन बात करेंगे महादेव के घर कैलाश पर्वत के बारे में। आखिर कैलाश पर्वत का क्या रहस्य है कि आज दिन तक कैलाश पर्वत पर कोई चढ़ाई क्यों नहीं कर पाया, कैलाश पर्वत के ऊपर क्यों कोई नहीं चढ़ पाया और कैलाश पर्वत के ऊपर कोई वाहन, कोई प्लेन क्यों नहीं गुजरता है। कैलाश पर्वत माउंट एवरेस्ट से भी छोटा है, फिर भी आज दिन तक कैलाश पर्वत पर कोई चढ़ नहीं पाया। देखिए, हजारों पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए हैं और तरह तरह की चोटियों पर झंडा फहरा चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज दिन तक कोई नहीं पहुंच पाया। आखिर क्या रहस्य है, आखिर क्या ऐसी सुपर नेचुरल ताकतें हैं वहां पर जो आज दिन तक उसके पास में या उसके ऊपर कोई नहीं चढ़ पाया। आप देखा होगा कैलाश पर्वत पर जाते हैं लोग दर्शन करने के, तो दूर से ही दर्शन करने दिया जाता है, पास में नहीं जाने दिया जाता। आखिर क्या है ये भगवान महादेव के घर के बारे में क्या रहस्य, आइए देखते हैं। माउंट एवरेस्ट से इसकी ऊंचाई कम है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848 मीटर, देखिए आप, और कैलाश पर्वत की ऊंचाई है 6656 मीटर, यानी माउंट एवरेस्ट से 2000 मीटर कम। फिर भी लोग कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाए हैं, क्यों, क्या कारण है? अपने पुराणों में तो महादेव का स्थान माना जाता है, महादेव पूरे परिवार के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान है, अपने पुराणों में तो यह कहा गया है, लेकिन आज की साइंस इसको मानती नहीं है। फिर भी ऐसे बहुत सारे रहस्य इस कैलाश पर्वत में भरे हुए हैं जिसको साइंस को भी मानने पड़ते हैं। इस पर्वत पर लोगों की मान्यता है, बहुत सारे पर्वतारोही भी वहां गए हैं और उन्होंने कोशिश की है पहले टाइम में चढ़ने की। उनका कहना है इस पर्वत पर सुपर नेचुरल शक्तियां रहती हैं। यहां मौसम सबसे ज्यादा खराब रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको ऐसा महसूस होता हो, जब शुरू शुरू में उन्होंने पर्वत पर चढ़ने की, उनको महसूस हुआ कह रहा है कुछ ऐसी ताकतें हैं जो यहां से चढ़ने की रोकती है। और सबसे बड़ी बात है यहां मौसम, माउंट एवरेस्ट पर जितना मौसम खराब नहीं रहता है, वहां पर कैलाश पर्वत पर इतना मौसम सबसे ज्यादा खराब रहता है, इसीलिए मौसम किसी को भी वहां पर चढ़ने नहीं देता है, इतना ज्यादा मौसम। फिर पर्वतारोही कहते हैं कि यहां से चढ़ते चढ़ते दिशा भ्रम हो जाता है। मतलब अगर आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो ना, तो आप चढ़ते चढ़ते आपको दिशा भूल जाओगे मेरे को किधर जाना है, और आप ऊपर चोटी पे नहीं पहुंच पाओगे। आप चारों तरफ घूमते रहोगे लेकिन आप उस चोटी पे नहीं पहुंच पाओगे, दिशा भ्रम हो जाती है कहते। और जब आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हो तो दिशा भ्रम नहीं होती, आपके पास सारे साधन होते हैं, कंपास वगैरह सारे साधन होते हैं, वही सारे साधन यहाँ पे भी होते हैं कैलाश पर्वत पर, फिर भी वो कुछ काम नहीं करते हैं, वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं और आपको दिशा भ्रम कर देता है। रूस के पहाड़ों की रिसर्च करने वाले एक वैज्ञानिक हैं, रूस के जो एक वैज्ञानिक थे जो पहाड़ों की रिसर्च करते थे, उन्होंने एक थोड़ी बहुत रिसर्च की इस कैलाश पर्वत के बारे में, आज मैं बताता हूँ आपको। मुलादाशेव एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा यह कोई प्राकृतिक ढांचा नहीं है। उन्होंने वो गए एक महीने तक वहाँ कैलाश पर्वत के थोड़ा सा दूर वहाँ रहे और वो रिसर्च की कैलाश पर्वत के बारे में, तो उनकी रिसर्च से यही निकल के आया कि यह कोई प्राकृतिक ढांचा नहीं है, यह एक पिरामिड है। पिरामिड जिसको मानव निर्मित पिरामिड, मतलब इसको किसी ने मानव ने बनाया है उस कैलाश पर्वत को, उन्होंने इस रिसर्च में निकाला है कि ये मानव के द्वारा निर्मित पिरामिड है। और वो ये कहते हैं ये 100 पिरामिडों, रहस्यमय पिरामिडों से मिलकर बना है, मतलब ये एक पिरामिड से बना हुआ नहीं है, 100 पिरामिड मिलकर ये कैलाश पर्वत बना है, वो रहस्यमय पिरामिड है। और आपको पता है इन पिरामिडों पर कोई चढ़ नहीं पाता है, ये है। और उन वैज्ञानिक का मानना है कि यह ढांचा विश्व में ऐसा कहीं नहीं है, मतलब ऐसा जो पर्वत है पूरे विश्व में कहीं नहीं है, अलग अनोखा और अद्भुत यह पर्वत है, ऐसा पर्वत तो विश्व में कहीं है ही नहीं है। दूसरी, जो अधिकतर पहाड़ आपने देखे होंगे और बहुत सारे किताबों में पढ़े होंगे, अधिकतर पहाड़ तिकोना होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये एकमात्र पर्वत है ये चौकोर पर्वत है। कैलाश पर्वत चौकोर पर्वत है, ये तिकोना पर्वत नहीं है, चौकोर है, चारों दिशाओं में फैला है, इसके चारों दिशाओं में मुंह है, बाकी पहाड़ तिकोना होते हैं। कहते हैं इस पर्वत के चार मुख हैं, ये चारों दिशाओं में फैला है, इस कैलाश पर्वत के चार मुख हैं, ये चारों दिशाओं में और सबकी अलग अलग ये हैं, चारों दिशाओं का फैले हैं, मतलब पुराणों के अनुसार इसकी चार दिशाएं हैं और चारों मुख हैं इस पर्वत के। अपने पुराणों के अनुसार यह पर्वत सृष्टि का केंद्र कहलाता है,
मतलब अपने पुराण शिव महापुराण और बहुत सारे जो पुराण है, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, इसमें कैलाश पर्वत को षष्ठी का केंद्र माना है कि मतलब षष्ठी का एक ही केंद्र कैलाश पर्वत, जहां पर महादेव अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान है धरती पर। यह इसका हर मुख कहते हैं, इसका हर मुख सोने, रूबी, क्रिस्टल और लेपिस लाजुली जैसे अनमोल धातु से बना है। अब जो पर्वत कैलाश पर्वत बना है, बड़े बड़े वैज्ञानिक जो इन्होंने रिसर्च किया है वो कहते हैं कि ये बड़े बड़े जो अनमोल रत्न है उन रत्नों से एक एक मुंह इस इन रत्नों से बना है। ये है यहां पर रिसर्च में पाया गया है, यहां पर बहुत से ज्यादा रेडियो एक्टिव है। मतलब आपने ये तो आपको पता ही होगा, आप साइंस भी मानती है कि भारत में जो अपने शिवलिंग है 12 शिवलिंग है ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं, जो रेडियो एक्टिव वहां सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव होते हैं। कैलाश पर्वत पर भी सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव है। ये देखिए आप मान सकते हो और आप विश्वास करते हो कि वाकई में भगवान शिव का वहां निवास है। सबसे बड़ी बात देखिए पर्वतारोही को चढ़ने में दिक्कत कहां आती है, इसकी ढलान 70 डिग्री से भी ज्यादा है। यह एकमात्र पर्वत है दुनिया का जिसकी ढलान 70 डिग्री से भी ज्यादा, इसलिए आम पर्वतारोही और बड़े से बड़े पर्वतारोही भी इस पर्वत पर चढ़ने से डरते हैं। माउंट एवरेस्ट की ढलान 40 से 55 डिग्री है। अब देखिए माउंट एवरेस्ट और कैलाश पर्वत की ढलान देखिए, यह जस्ट 70 डिग्री की ढलान रखता है और ये एवरेस्ट 40 से 45, तो आधे पर्वतारोही तो ऐसे ही घबरा जाते हैं। कहते हैं वर्तमान में इस पर पूरी तरह से रोक है। वर्तमान में कहते हैं कि इस पूरी तरह सरकार ने रोक लगा रखी, चीन की सरकार ने। तिब्बत और भारत का ये प्रमुख आस्था का केंद्र है। शुरू शुरू में जब लोगों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की थी लेकिन वो भी नहीं चढ़ पाए। कहते हैं बहुत सारे पर्वतारोही ने चढ़ने की कोशिश की, वहाँ जब थोड़े से चढ़े और उनको अजीब सा एहसास होने लगा, अजीब सी धड़कने बढ़ने लगी और ऐसा डर महसूस होना होने लगा और ऊपर से इतना मौसम खराब होने, वो मतलब चढ़ ही नहीं पाए और वापस नीचे उतर गए। मतलब अजीब सी एक अंदर से घुटन महसूस होने लगी। वो पर्वतारोही ने अपने अनुभव लोगों से शेयर किए। उसके बाद सरकार ने वहाँ पे उसके कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए रोक लगा दी। क्यों? क्योंकि भारत और तिब्बत का बहुत ही बड़ा आस्था का केंद्र, और वैसे ही आप जानते हो भारत में और पुराणों के अनुसार तो भगवान महादेव की पूरे परिवार के साथ वहां रहते हैं, तो उनके बहुत भारत के बहुत लोगों का वहां पे आस्था का केंद्र है। बहुत से पर्वतारोही कहते हैं पहाड़ के अंदर अजीब सी आवाजें आती है। बहुत से पर्वतारोही ने जब शुरू शुरू में चढ़ने की कोशिश की वहां पे, तो वो कहते हैं कि यार इसमें अंदर पहाड़ के अगर आप ध्यान से सुनोगे तो अंदर से अजीब सी आवाजें आती है। कोई कहता है ओम की आवाज आती है, कोई कहता है डमरू की आवाज आती है, मतलब अलग अलग से। कोई कहते हैं अंदर से डमरू की आवाज बजती रहती है उस कैलाश पर्वत के अंदर। कोई पर्वतारोही ने कहा था कि ओम की आवाज आती रहती है, तो अलग अलग तरह की आवाजें इससे निकलती रहती है। जो पर्वतारोही वहां गए उन्होंने या अनुभव किया और इसके बारे में बताया। तो ये देखिए कैलाश पर्वत का रहस्य, जहां अपने महादेव विराजमान है और आज इस कारण से आज दिन तक वहां कोई भी पर्वतारोही नहीं चढ़ पाया है और उसके ऊपर कोई भी प्लेन आज दिन तक नहीं गुजर पाया है। इसी के साथ आज यहीं मेरा वीडियो आपको पसंद आया, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो और अध्यात्म से रिलेटेड वीडियो हर संडे को मैं लाता रहता हूँ। देखते रहिए मेरे वीडियो।